उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। टुडेज़ मेन्यू इज़ कटे मसाले का कीमा। आज जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ बहुत झटपट सी बनती है, बहुत मज़ेदार सी बनती है। इसके लिए जो चीज़ें मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ आपको दिखाती चलूँ। मैंने ले लिया है बीफ का कीमा है, ये हाफ के जी के करीब। इसमें जो गरम मसाला इस्तेमाल होगा, सबसे पहले दिखा दूँ, ये मैंने ली हैं 3 से 4 अदर लौंग, 2 टुकड़े दालचीनी के, 2 बड़ी इलायची, 1 तेज़पात, 8 से 10 अदद साबुत काली मिर्च, और इसमें मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ 1 टेबल स्पून के करीब ज़ीरा, ये है साबुत ज़ीरा। अब इसमें जो मसाले पिसे हुए इस्तेमाल होंगे वो दिखाती चलूँ। मैंने ले लिया है नमक, नमक मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक लीजिए। इसके अलावा इसमें मैं शामिल करूँगी हल्दी पाउडर, 1 टी स्पून, रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च 1 टी स्पून, 1.5 टी स्पून है ये, आप चाहें ज़्यादा भी रख सकते हैं मिर्च, और ये है भुना पिसा ज़ीरा, ये 1 टेबल स्पून है। इसमें मैं शामिल करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, 1 बड़े साइज़ की प्याज, 2 अदद टमाटर मीडियम। इसमें जो मैं कटा मसाला इस्तेमाल करूँगी उसमें मैंने ले लिया है 2 इंच के करीब है, ये अदरक का टुकड़ा लिया था, इसे इस तरह से मैंने मोटा मोटा सा काट लिया है। 6 से 7 अदद इसमें मैंने इस्तेमाल करूँगी। इसमें हरी मिर्च, इसे इस तरह से कटिंग कर ली है इसकी, और एक छोटा सा अनियन लिया था मैंने, इसे इस तरह से चॉप कर लिया है मोटा मोटा। एंड में मैं इसमें इसे गार्निश करूँगी हरे धनिए के साथ। बहुत ईजी रेसिपी है, झटपट से बनती है और बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। तो चलिए फिर हम प्रोसीजर इसका स्टार्ट करते हैं। बर्तन में ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी प्याज कटी हुई, इसको मैं गोल्डन ब्राउन कर लूंगी। थोड़ी सी प्याज का कलर चेंज होगा, ये ट्रांसपेरेंट से हो जाएगी, तो फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी गरम मसाले, साबुत गरम मसाले। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ लौंग, दालचीनी, साबुत इलायची, कड़ी पत्ता और सिया मिर्च साबुत, इसको भी साथ ही इसके फ्राई करूँगी। थोड़ी देर बाद इसमें शामिल करूँगी साबुत ज़ीरा। थोड़ी सी प्याज ब्राउन होने लगी है, अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ साबुत ज़ीरा 1 टेबल स्पून जो मैंने लिया था, ये आप लोग देख सकते हैं। जैसे ही प्याज गोल्डन फ्राई हो जाएगी, गोल्डन ब्राउन होगी, इसमें मैं ऐड कर दूंगी कीमा और साथ ही टमाटर और नमक मिर्च हल्दी। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है, कीमा ऐड कर रही हूं अब मैं इसमें। साथ ही इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर, ये
अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक मिर्च हल्दी। लाल मिर्च, नमक और हल्दी। सब चीज़ें इसमें ऐड करने के बाद मैं इसको मिक्स करूंगी। अब मैं इसको कवर कर दूंगी 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि कीमा और टमाटर प्याज का पानी अच्छे से निकल आए और उसी पानी में ये कीमा गल जाएगा। कम से कम इसे मैं 5 से 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर कवर करके उसके बाद देखती हूँ। कितना पानी इसमें आ गया आप लोग देख सकते हैं। ये टमाटर को मैं हल्का हल्का मैश कर रही हूँ। अब कीमा जो है वो इसी पानी में गल जाएगा। इसको मैं 15 से 20 मिनट के लिए लो टू मीडियम हीट पर कवर करके इसी तरह से रख रही हूँ। पंद्रह से 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक करते हैं कीमा। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा सा ही कीमा गल गया है और आप देख सकते हैं ऑयल इसमें सेपरेट हो गया है। थोड़ा सा मैं इसको इस तरह से मैश किए जा रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छा भुना भुना सा। इसको अब मैं इसमें सब चीज़ें ऐड कर दूंगी जो मैंने, सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूंगी पिसा हुआ ज़ीरा, पिसा और भुना पिसा ज़ीरा। इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ भुना पिसा ज़ीरा, 1 टेबलस्पून मैंने लिया था। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी जो एक मैंने चॉप की थी प्याज वो। हरी मिर्च और अदरक। अब मैं इसे अच्छे से भून लूंगी और कीमा हमारा रेडी है। थोड़ी सी मैं फ्लेम जो है इसकी हाई करूंगी चूल्हे की। भून लूंगी अब इसमें से ऑयल, जैसे ही सेपरेट होगा कीमा हमारा बिल्कुल रेडी है। इसमें धनिया, हरा धनिया, फ्रेश जो कोरिएंडर लीव्स हैं वो मैं इसमें डाल के इसको डिश आउट कर लूंगी। ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सा इसका कलर आ गया है। कीमा बिल्कुल रेडी है, गल गया है। अब मैं इसको डिश आउट करने लगी हूँ। जी तो व्यूअर्स, ये मैंने डिश आउट कर लिया है कीमा। इसको मैंने गार्निश किया है, इसे मैंने गार्निश किया है अदरक, हरा धनिया और हरी मिर्च के साथ। बहुत ही मज़ेदार सा, झटपट सा ये कीमा रेडी हो गया है। आप सब भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको कैसी लगी फीडबैक देना मत भूलिएगा। किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो कोई कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर हाजिर होंगे। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आती हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर हाजिर होंगे कुछ मज़ेदार सा लेके, कुछ नई डिश लेकर। टिल देन अल्लाह हाफिज़।